नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर शहर के अधिकांश एटीएम पिछले कई दिनों से खराब पड़े हुए हैं, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक प्रबंधन द्वारा इस ओर कोई कदम नहीं उठाए जाने से लोग परेशान हैं। इन दिनों शहर भर में अनेकों समारोह आयोजित हो रहे हैं और लोगों को पैसों की जरूरत है, लेकिन बैंकों द्वारा एटीएम में पैसा नहीं पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा तकनीकी खराबी भी एटीएम के बंद होने का मुख्य कारण बनी हुई है, जिसमें सिग्नल प्रॉब्लम होना बैंक अधिकारियों द्वारा बताया गया है। अब चाहे कारण कुछ भी हो, एटीएम से पैसा ना निकल पाने के कारण लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इधर अभी टावर नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ नहीं आ रहा है। कम से कम हमें पैसों की जरूरत है और हमारे पास बैलेंस भी नहीं है। हॉस्पिटल जाना हमको बैलेंस लेके। जी, कौन सी बैंक का एटीएम है आपके पास? हमारे यहाँ SIB का है सर। जी, ये जहाँ भी जाते हैं लाइन लगी हुई मिलती है। जेवर में करीब करीब 10-12 बैंक हैं, जिनमें 5-6 एटीएम हैं, जिनमें से एक दो ही काम करते हुए मिलते हैं, वहाँ पे भी लाइन लगी हुई मिलती है। कभी कभी सिग्नल काम नहीं करते, लाइन में खड़े खड़े काफी देर हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से जेवर में एयरपोर्ट बनने की कवायद शुरू हुई है, तब से जेवर में लगभग एक दर्जन से ज्यादा बैंक खोले जा चुके हैं, लेकिन सभी बैंकों ने अभी तक अपने अपने एटीएम चालू नहीं किए हैं। कुछ ही बैंकों ने अपने एटीएम शुरू किए हैं, जिनमें से अधिकतर खराब पड़े रहते हैं। केवल एक या दो एटीएम ही जेवर में प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब सभी बैंकों के ग्राहकों का लोड सिर्फ 2 या 3 एटीएम संभाल रहे हैं, जिस कारण एटीएम पर लंबी कतारें या अफरातफरी का माहौल देखा जा सकता है। 5 एटीएम में से होके आ रहा हूँ, जिसमें सारे ही बंद मिले हैं। किसी में कोई टाइम से खुलने बंद होने का कोई टाइम टेबल नहीं है। पैसे निकालने में असुविधा होती है। आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? क्या इस बैंक का एटीएम चल रहा है? नहीं चल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक पे हम खड़े हैं। इसका एटीएम बंद है। लोग इस बारे में बैंक के प्रबंधकों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक हल नहीं निकल पाया है। इधर जब बैंक मैनेजरों से बात की गई, तो उनका कहना है कि यहां पर नया एटीएम लगाया जाएगा। इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है और जल्द ही यहां पर नई एटीएम मशीन लगवा दी जाएगी। हालांकि इस मशीन की टेक्निकल फॉल्ट है। उन्होंने माना कि बैंक को भी एटीएम मशीन खराब होने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी सर, दरअसल समस्या ये है कि जेवर में बैंक तो ज्यादा हैं, लेकिन एटीएम सिर्फ एक दो ही चल रहे हैं, जिनमें से एक आपकी बैंक का भी एटीएम है जो नियमित रूप से नहीं चल पा रहा है। क्या कारण है कि आज भी आपका बैंक बंद, एटीएम बंद पड़ा हुआ है? कैश की वजह से है कि कैश नहीं पड़ पा रहा है। इसमें जो एजेंसी है उसका, उसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इसको सुचारू करवाएंगे। हम यहाँ अपने जनरल ऑफिस भी हम लोगों ने कहा हुआ है, तो जल्दी सुचारू करने के लिए क्या है। कारण क्या है? पिछले 6 महीने से बड़े बैंक का एटीएम बंद पड़ा हुआ है, क्यों नहीं चल पा रहा है? जेवर में आज SBI, पंजाब नेशनल बैंक, OBC, HDFC, BOI तथा इंडियन बैंक के ITM मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ SBI और OBC बैंक ATM ही कार्यरत हैं, जिससे सभी बैंक ग्राहकों को केवल इन्हीं 2 या 3 ATM पर निर्भर रहना पड़ता है। इस बारे में सभी बैंक मैनेजर से बात की जा चुकी है और उन्होंने जल्दी ही व्यवस्था को सुधारने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि कब तक लोगों की समस्या का सॉल्यूशन हो पाता है।